यह क्लास जो है क्रैश कोर्स का डे 3 का ही क्लास है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण जो है वीडियो उधरे कट गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप इसको डे 3 ही मानिएगा, ठीक है। देखिए, इसके पहले क्लास में हम बता दिए थे, वहाँ सब आगे बताते हैं। इसका मान इतना, इसका मान 1, इसका भी मान 1। और ये थीटा कहने का मतलब क्या है? थीटा कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। आगे आपको डिटेल्स में बता देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर इसको बता रहे तो फिर यहाँ पर ही आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसका मान cos 0 डिग्री का मान 1, अब यही 1 होता है, इसीलिए i.i का मान 1 हो जाएगा, j.j का मान भी 1, k.k का मान भी यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा है तो i.i का मान 1 प्लस 8 गुणा j.j का मान कितना हो जाएगा बताइए, j.j का मान कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए, 1 प्लस 20 गुणा k.k का मान 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 20। तो इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा, 6 और 8 14 और 20 34। पहले भी 34 आया था, अभी भी कितना आ गया, 34 आ गया, कोई दिक्कत? तो आइए, अब इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, के वाला के साथ ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, गुणा कर दीजिएगा। तो आइए अब इसको ऐसे ना लिख करके डायरेक्ट ही लिख देते हैं, देखिए, क्योंकि आप तो बता दिए कि कैसे यहाँ पर आया, अब उसी को जो है हम लोग यहाँ पर देखिए कैसे लिखते हैं। आई वाला के साथ, ठीक है, आई वाला के साथ, तो 3 दुना 6 प्लस जे वाला के साथ, 2 चौका 8 प्लस के वाला के साथ, तो 4 में 5 से गुणा होगा तो 20, 8 6 14, मतलब 6 8 14 और 20 34। तो यही आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आया, तो 34 आया। आइए अब आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, चलिए। चलिए जी, ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। यदि वेक्टर ए बराबर में 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी बराबर में -i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या होगा। चलिए, जैसे कि आप लोग ये जान रहे हैं कि यह 2021 का पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी में, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। तो पहले वेक्टर ए यानी कि 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, डॉट है तो डॉट, वेक्टर बी है यानी -i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब i j k, ठीक है, i j k, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है कि नहीं, और यहाँ पर कितना है, -1 -1 -1, मतलब सिर्फ माइनस जुड़ गया तो -1 1 1, ठीक है, सब में -1 इधर और इधर +1। अब यही आपको यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि i वाला के साथ, ये बताए हैं हम आपको i वाला के साथ, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -1 है, तो हो जाएगा -2। यहाँ पर क्या है, j वाला के साथ -1 यहाँ पर है और +1 यहाँ पर है, तो -1 और +1 गुणा होकर के -1। k वाला के साथ यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -1 है, तो हो जाएगा -2। तो इसीलिए -1 -2 -2,
माइनस दो माइनस एक माइनस दो, यानी दो एक तीन दो पाँच, माइनस पाँच होगा। तो यह क्या निकल गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आया जी, माइनस पाँच आया। और जानते हैं ये 2021 का पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। चलिए, माइनस पाँच यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में माइनस पाँच, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आइए अब यह जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और यह कब के पूछा गया प्रश्न है, 2021 का है, और इसका आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। चलिए लिख करके ऐसे कि क्वेश्चन नंबर दो और इसका आंसर इतना, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप का मापांक क्या होगा, तो मापांक जब भी कहेगा तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर पाँच दे दिया आई कैप, छः जे कैप और तीन के कैप, तो जैसे ही इसका मापांक कहेगा तो कुछ नहीं, रूट के अंदर करना है। आई कैप के बगल में पाँच है तो पाँच का स्क्वायर, जे कैप के बगल में छः है तो छः का स्क्वायर, और के कैप के बगल में तीन है तो तीन का स्क्वायर। वैसे ही इसका मापांक पूछा है तो कुछ नहीं, रूट अंडर कर देना है, ठीक है। और आई कैप के बगल में एक्स है इसीलिए एक्स का स्क्वायर, जे कैप के बगल में वाई है इसीलिए वाई का स्क्वायर, और के कैप के बगल में जेड है इसीलिए जेड का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा बताइए। मापांक कहेगा तो आई कैप के बगल में जो रहेगा उसका स्क्वायर, फिर जे कैप के बगल में जो रहेगा उसका स्क्वायर, सबको जोड़ना है, और के कैप के बगल में जो रहेगा उसका स्क्वायर, तो इस तरीके से तीनों को ऐड कर दीजिए रूट के अंदर, और इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आइए जी अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये 2021 का पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है जी। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, स्क्रीन शॉट सबका लेते चलिएगा। देखिए चलिए यह जो है क्वेश्चन नंबर थ्री है और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं, ये जैसे कि आप लोग को मालूम है कि ये भी 2021 का पूछा गया प्रश्न है, देख रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है इस बार के भी एग्जाम्स में संभावना बन रही है। तो याद रखिएगा, आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप उस लेवल के क्वेश्चन को बना पाएंगे, यदि बना पाएंगे तो बनाइए और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर क्या है, लंब है, या वेक्टर बी जो है वेक्टर ए पर लंब है, इसीलिए इसको कहेंगे वेक्टर ए लंब वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, अगर यहाँ पर वेक्टर पी है और लंब है वेक्टर क्यू पर, तो याद रखिएगा वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू क्या होगा, तो यदि वेक्टर पी लंब है वेक्टर क्यू पर, तो वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू जानते हैं कितना होगा, जीरो होगा, कितना होगा, जीरो होगा। तो इसीलिए वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर लंब है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना होगा, जीरो होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है, ध्यान दीजिएगा और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, यह क्वेश्चन नंबर जो है फोर है और इसका सही जवाब कौन सा होगा। देखिए ये भी 2021 का पूछा गया प्रश्न है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि जे डॉट डॉट है डॉट और फिर कोष्ठ में है वेक्टर नहीं है
बल्कि कैप है, कैप, ठीक है, यानी जे कैप डॉट के कैप क्रॉस आई कैप। तो बताइए इतना बराबर क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग ये जानते हैं, याद रखिएगा कि घड़ी के विपरीत दिशा में जी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई जे, आई क्रॉस जे, आई जे हो गया, फिर जे के, फिर के आई, तो के आई, तो आई जे बच गया के, तो याद रखिए के कैप, जे के तो बच गया आई, इसीलिए आई कैप। क्रॉस है, इसको क्रॉस पढ़ेंगे, आगे हम आपको बताते हैं, हड़बड़ाइए नहीं, पूरा एकदम स्मूथली चलिए, कहीं से भी किसी प्रकार का कोई हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। देखिए अब के क्रॉस आई कैप, तो के और यहाँ पर आई है, के आई, तो बच गया क्या, जे, डैट मीन्स आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर में क्या हो जाएगा, तो के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इजकल टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप बराबर में क्या हो जाएगा, तो जे कैप, ठीक है। तो ये देखिएगा के बाद में आई है, के बाद में आई है, तो इसीलिए यहाँ पर जे के क्रॉस आई, तो यहाँ पर जे है तो जे हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, पहले तो कोष्ट के अंदर का काम होगा, तो के बाद में आई है, के बाद में आई, इसके स्थान पर जे हम लोग लिख सकते हैं। और अभी हम आपको बताए हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के बराबर क्या होता है, वन होता है, तो इसीलिए जे डॉट जे, जे डॉट जे वन हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन, ठीक है। आइए जी अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पाँच को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। साथ ही साथ आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास जो है कैसा रहा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा रहा तो कमेंट कीजिएगा, इस प्रकार के क्लास को हम लोग ले करके आएंगे, उस प्रकार के हम लोग हर एक कंसेप्ट को सीखेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं, ये टेंशन है कि एग्ज़ाम्स देना है, तो घबराइए नहीं, आप बहुत सही जगह और सही समय पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ से जो है आपको हम लोगों के साथ चलना होगा, और इस तरीके से आप एक अलग अंदाज में, एक अलग प्रारूप रणनीति के साथ बहुत बेहतर कीजिएगा, बहुत अच्छा कीजिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच को देखते हैं। देखिए सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए आइए, यह जो है क्वेश्चन नंबर फाइव है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। और ये देखिए दो वर्ष यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है, यानी 2015 में पूछा गया था, 5 साल के बाद 2020 में पूछा गया, और फिर 5 साल के बाद 2025 में पूछे जाने की संभावना है। देखिए बिंदु वन मतलब एक, बिंदु 1.0.2 की स्थिति सदिश क्या है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर अगर आपसे हम पूछ दें कि इसका स्थिति सदिश क्या है, तो आप तीन जानते हैं ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो 5 है तो 5 आई कैप, 0 जे कैप और 7 के कैप, इसी को आप लिख सकते हैं, 0 वाला को हटा दीजिए, तो 5 आई कैप और प्लस में 7 जे कैप, समझ गए ना। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कितना दिया है, 1.0.2 इसका स्थिति सदिश बताना है, स्थिति यानी पोजीशन फैक्टर, स्थिति सदिश, तो 1 है इसीलिए 1 आई कैप, यहाँ पर 1 है,
प्लस जीरो जे कैप और दो है तो दो के कैप। जीरो वाला को हटा सकते हैं इसीलिए आई कैप प्लस दो जे कैप, जीरो वाला को हटा दीजिए तो आई कैप प्लस दो के कैप, ठीक है, जे वाला हटा दीजिए, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए ये कहाँ पे है, कहाँ पे है तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी है, आई कैप प्लस टू के कैप, आई कैप प्लस टू के कैप। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 2015 में पूछा गया था, 5 साल के बाद 2020 में पूछा गया, फिर इसकी संभावना 2005 साल के बाद 2025 में बन सकती है। आइए जी आज के क्लास में हम लोग तो यहाँ तक के प्रश्नों को कवर किए और उस प्रकार के प्रश्न को हम लोग देखे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे ही हम आपको पहले ही सूचित किए हैं कि कम समय में बेहतरीन तैयारी करेंगे, ठीक है, घबराइए नहीं, आप जो भी पढ़िएगा डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है, इस बात को जो है याद रखिएगा। आज के क्लास में 10 क्वेश्चन कराना था लेकिन 5 क्वेश्चन करा दिए और 5 ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप अपने से बना सकते हैं। संभवतः कल जो है फिर ऑब्जेक्टिव का क्लास लगने वाला है तो उसमें और हम लोग धुआं धुआं करेंगे, दमदार तरीके से चलेंगे। तो कल फिर आप लोग रेडी रहिएगा शाम को सात बजे से। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक करते हैं और यदि आप जो है कोर्स को ख़रीदे होंगे, मतलब परचेज किए होंगे SGS क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके, तो जानते हैं आपको वहाँ पे इस मतलब 5 बोले हैं ना, 5 और क्वेश्चन है उसको आप लोग बना लीजिएगा। तो या तो आप वहाँ से ऐप में आपको चला जाएगा और नहीं तो आपको WhatsApp पर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से 5 और क्वेश्चन बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे 5 प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को बना करके ये देख सकते हैं कि किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, क्या आप वो बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक कराने देते हैं। तो आज का क्लास इसके लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत, क्लास को करने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।